गुड मॉर्निंग गाइस, आज आप लोगों को घुमाने लेके जाएंगे वेस्ट बंगाल राज्य का हावड़ा जिला में देवल्टी अंचल का समताग्राम में अवस्थित महान लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का हाउस तथा एक शब्द में शरद कुठी में। बॉलीवुड में उनका लिखा हुआ देवदास, परिणीता, श्रीकांत उपन्यास लेके मूवी बना है जो सब फेमस मूवी था। कलकत्ता से 60 किलोमीटर दूर में अवस्थित है। ये देवल्टी अवस्थित है वेस्ट बंगाल का बागनान और कोलाघाट अंचल के बीच में और कथा शिल्पी शरद चंद्र जी का घर अवस्थित है साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर डिवीजन में देवल्टी रेलवे स्टेशन से 3.1 किलोमीटर दूर रूप नारायण नदी के पार में अवस्थित समतापुर गांव में। भारत का महान नोवेलिस्ट शरद चंद्र जी का जन्म हुआ था 1876 15 सितंबर में हुगली का देवानंदपुर गांव में। उनका दो भाई और दो बहन थे मगर एकदम छोटा उम्र से ही उनको गरीबी के साथ संघर्ष करना पड़ा। हावड़ा से पासपुरा लोकल पे आप लोग देवल्टी स्टेशन में आप लोगों को उतरना होगा। यह है देवल्टी रेलवे स्टेशन। इधर से आप लोग निकल के टोटो करके आप लोग रचंद्र जी का हाउस जा सकते हैं। आप लोगों को देवल्टी रेलवे स्टेशन में उतर के ये तीन माथा मोड़ आना होगा। इसके बाद आप लोग राइट साइड में आप लोगों को जाना होगा ऑटो पकड़ने के लिए। उधर बॉम्बे रोड मिलेगा, उधर से आप लोगों को टोटो पकड़ना होगा। ये है बॉम्बे हाईवे। इस ब्रिज से नीचे से आप लोगों को जाना होगा और ब्रिज के रास्ते के उस तरफ आप लोगों को टोटो मिलेगा, फिर उधर से आप लोगों को टोटो पकड़ना है। टोटो वाला से आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं। दीजिए दादा, बोलिए इसका इधर से कितना किलोमीटर है और कितना भाड़ा भी है। 1 किलोमीटर है और 20 रुपया भाड़ा है। 20 रुपया भाड़ा है। 3.1 किलोमीटर और रास्ता और है भाड़ा है 20 रुपीज। आपका नाम? मनोज चक्रवर्ती। थैंक यू। इधर एक छोटा बच्चा मिला शरद चंद्र जी का हाउस घूमने के लिए आज आई है, तो थोड़ा बातचीत करते इस बच्चे से। तुम्हारा नाम किया छे? আমার নাম হ্যাঁ অবস্থি হালদার। তুমি কি কোথায় এসছো? আমি হ্যাঁ শরৎবাবুদের বাড়ি এসছো। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। आप लोग कलकत्ता से पर्सनल कार से इधर आ रहे हैं तो आप लोग इधर पार्किंग कर सकते हैं। इधर पार्किंग फैसिलिटी है, आप लोग पीछे देख रहे हैं। इसलिए उनका छोटा उम्र में उनको मामाबाड़ी में जाना पड़ा और उधर पाठशाला में पढ़ाई करना पड़ा जो अवस्थित है बिहार के भागलपुर में। इतना ही उनका परिवार का आर्थिक अवस्था खराब था जिसलिए उनको बार बार पढ़ाई बंद करना पड़ा। इवन कॉलेज में फाइनल एग्जाम के समय नहीं जुगाड़ होने से उस साल उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था। इसके अलावा स्कूल में पढ़ने के समय किताब खरीदने का पैसा नहीं था, इसलिए दोस्त लोगों को किताब लेके रात में पढ़ते थे और दिन में वापस कर देते थे। मगर एक बात बोलना चाहिए, उन्होंने कभी भी हार नहीं माना है। इसका एग्जाम्पल है आज इतना सारा टूरिस्ट लोग उनका घर तथा शरद कुठी को देखने आया है। उनका पिताजी को छुटपुट कुछ लिखने का पैशन था, शायद उसका प्रतिफलन उनके अंदर आया था। जो भी हो, उनका पहला लिखा हुआ गल्प है काशीनाथ, जो उन्होंने 17 साल उम्र में उनका क्लासमेट काशीनाथ का नाम लेके लिखा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद शरद चंद्र जी बर्मा का रेंगून में नौकरी करने चला गया था। तब उधर शांति देवी से उनका शादी हुआ था और एक पुत्र संतान का जन्म हुआ था। मगर प्लेग में उधर स्त्री पुत्र संतान को एक साथ खोने के बाद उनको बहुत बड़ा सदमा मिला था। बाद में मुख्यदा जी से उनका शादी हुआ था। उधर मुख्यदा जी का नया नाम दिया था हिरणमय देवी। तब से हिरणमय देवी शरद चंद्र जी का साथ था और शरद चंद्र जी का मृत्यु के 23 साल बाद भी इस देवल्टी में इस शरद चंद्र कुटी में बिताया था और इधर ही अंतिम सांस लिया था। मगर रेंगून में रहने के समय उनका लिखा हुआ रामेश सुमति जमुना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तब से उनका नाम धीरे धीरे एक फेमस साहित्यिक के रूप में फैलने लगे थे। बाद में भारतीय पत्रिका में प्रकाशित बड़ दीदी तथा एल्डर सिस्टर प्रकाशित होने के बाद रविन्द्रनाथ जी
उनको एक प्रतिभावान लेखक बोला था, मगर रेंगून में उनका तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगे। तब इधर 1923 में समतापुर गांव के पास ग्राम गोविंदपुर गांव में उनका दीदी अनिला देवी का घर घूमने आया था और ये गांव उनका पसंद आ गया था, इसलिए तब रूपनारायण नदी के बगल में अवस्थित ये जमीन 1923 में खरीद लिया था और 1925 में इसी जमीन के ऊपर टाली, टीना, बांस, उडन और मिट्टी से बार्मा स्टाइल में एक मिट्टी का दोतला बाड़ी तैयारी किया था। हेलो गाइस, आप लोग हरचंद्र जी का कुटी देखने के लिए इधर आ सकते हैं और रात में किधर रहेंगे तो नहीं रहेंगे तो इस बाड़ी का देखरेख करते जनरेशन बाय जनरेशन 50 ईयर से देखरेख कर रहा है। अभी फोर्थ जनरेशन है मिस्टर टू बाई पति, तो उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। ये है मिस्टर टू बाई पति, बोलिए सर। আমার নাম টুবাইপতি, আমরা বংশ পরম্পরা ধরে বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে। আমার সাথে যোগাযোগ করতে হলে আমার যোগাযোগের নাম্বারটি হলো 8537998629। টুবাইপতি, যারা রূপনারায়ণ ধরে পিকনিক ও হোমস্টের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। कोई पर्सन इधर रात में घूमने आएंगे तो इधर रहने के लिए कहाँ रहेंगे तो आप थोड़ा बोलिए उसे। इतना होम्योपैथी का फ्री ट्रीटमेंट क्या है? तो रात में बैठते आशे का ने ताले हमारे साथ जोगाजोग कर आपने साथ जोगाजोग आपने साथ जोगाजोग कर আপনার ফোন নাম্বার 8537998629 টুবাইপতি। আপনি সব মানে ব্যবস্থা করে দেবেন? সব আপনি গ্রামের মধ্যে থাকতে পারেন? হ্যাঁ হ্যাঁ থাকতে পারেন। আর এইটা হচ্ছে উনকা রামেশ সুমতি গল্পকা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শর্ট স্টোরিজ। হ্যাঁ রামেশ সুমতি পিয়ারা গাছ গোবা কি হ্যায় উনকা। হ্যালো গাইস, ইস হাভেলি কা শরৎচন্দ্র কুঠি কা দেখভাল করতা মিস্টার দুলাল মান্না জি, তো উনসে থোড়া বাতচিত করতে। স্যার আপনার নাম কে? আমার দুলাল মান্না। এই বাড়ি 60 বছর দেখাশোনা করছি। ওনার নাতি থাকেন জয় চট্টোপাধ্যায় কসবায়, উনি আমাদের দেখেছেন, এটাই দেখছেন, এটাই লিখছেন, এটা ওনার লেখার ঘর ছিল। আর এখানে বসেই লিখেছিলেন অভাগীর স্বর্গ, মামুনের মেয়ে, পল্লী সমাজ, শ্রীকান্তর চতুর্থ পর্ব, কমললতা, লাস্ট লিখেছিলেন বিপ্রদাস। স্যার আপনারা এখানে কত বছর ধরে আছেন আপনি? 60 বছর। আপনার ছোটবেলা তাহলে এখানেই কেটে গেছে? 15 বছর বয়স থেকে। স্যার আপনি কি হরচন্দ্রজিকে দেখেছিলেন? না, বোনার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিরণময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরও উনি 23 বছর ছিলেন, আমি ওনাকে দেখেছি, আমার তখন 15 বছর বয়স, 15 আর 60 75 বছর বয়স দুলাল মান্না। আপনাকে অনেক অনেক বিশেষ ধন্যবাদ। इसी घर में ये चेयर टेबल में बैठ के उन्होंने ज्यादातर साहित्यिक उपन्यास लिखा था और ये खिड़की से घर के बगल में बहता हुआ रूपनारायण नदी को देखते थे, मगर ये नदी समय के साथ थोड़ा दूर चला गया, जिसको बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये शरतचंद्र जी का व्यवहारित लाठी, जूता, इजी चेयर है और इजी चेयर में जो छोटा तस्वीर आप लोग देख रहे है वो उनका स्त्री हिरणमय देवी का मृत्यु समय का तस्वीर है। और ये दीवाल में जो आप लोग बड़ा तस्वीर देख रहे हैं वो है उनका छोटा भाई प्रकाश रंजन चट्टोपाध्याय जी का तस्वीर, जिनका शादी हुआ था। ये शरतचंद्र जी का मेहमान का बैठने का घर है। इसी घर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार आए थे। इसके अलावा इधर भारत का स्वाधीनता संग्रामी चित्तरंजन दास, बाघा जतीन, राजबिहारी बोसु, बिपिन बिहारी गांगुली इधर आया था। ज्यादातर स्वाधीनता संग्रामी तब नदी पथ में इधर आते थे और उस समय ये सब स्वाधीनता संग्रामी इधर बैठ के मीटिंग करते थे। ये है शरतचंद्र जी का व्यवहारित बेल्जियम ग्लास से बना हुआ आहिना और ये है हुक का सोफा, बुक सेल्फ और जल चौकी, जो बेड पर बैठ के उन्होंने इसके ऊपर लिखते थे। ये है 100 साल पुराना जापानी घड़ी, जिसको एक बार मैनुअली
व्हील घुमाने से 7 दिन ये घड़ी चलते थे। और ये है फारसेट कंपनी का पुराना रेडियो। और ये जो छोटा तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये है उनका नाती जॉय चटर्जी और उनका स्त्री का तस्वीर। ये है होम्योपैथी दवाई और किताब। उस समय इधर गरीब लोगों को बिना पैसा होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते थे और दवाई भी देते थे। इसके अलावा बक्सों में होम्योपैथिक दवाई लेके गांव-गांव में घूम के गरीब लोगों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते थे। ये है शरद चंद्र जी का घर का श्वेत पत्थर का तैयारी राधा कृष्ण मूर्ति। असल में ये राधा कृष्ण मूर्ति चित्तरंजन दास जी का घर का मूर्ति है, मगर स्वाधीनता के समय जेल जाने से पहले उन्होंने ये शरद चंद्र जी को देके गया था। तब से अभी भी इधर राधा कृष्ण का पूजा होता है। और पहले इधर शरद चंद्र जी 3 साल अन्नपूर्णा देवी का पूजा किया था। दोतला में जो बड़ा घर आप लोग देख रहे हैं, ये सोने का घर था। इसी घर में हिरणमय देवी शरद चंद्र जी का मृत्यु के बाद 23 साल बिताया था और इधर ही शेष निश्वास त्याग किया था। इसी दो घर में अभी सिर्फ उस समय का वुडन फर्नीचर, कुछ व्यवहारित सामान अभी उस समय का साक्षी स्वरूप खड़ा है, जो आप लोग देख सकते है। दोतला घर में ये पश्चिम कोने का घर में हिरणमय देवी का मृत्यु हुआ था और शरद चंद्र जी ये शरद कुठी में अपना शेष जीवन का 12 साल बिताया था। तब ये मिट्टी का दोतला बाड़ी तैयारी किया था झारग्राम का याकूब जी ने और खर्चा हुआ था 11,191 रुपया। कोई कोई एक्सपर्ट बोलते हैं जो ये घर तैयारी किया था गोपाल जी ने और खर्चा हुआ था 17,000 रुपीज। मगर जो भी है, आप लोगों को कोई जानकारी होगा तो मुझसे कमेंट कीजिएगा। ये शरद चंद्र कुठी का उत्तर दिख में अवस्थित है बुनाईकर और मछुआरे का गाँव और दक्षिण में अवस्थित है समता गांव और पूरब में अवस्थित है कच्चा बड़ाबाद और पश्चिम में अवस्थित है रूपनारायण नदी। इस बाड़ी में शरद चंद्र जी उनका भाई स्वामी देवानंद जी के साथ रहते थे। असल में उनका भाई का नाम है प्रभास जी। असल में उनका भाई प्रभास जी रामकृष्ण मठ का एक सन्यासी था, इसलिए बाद में उनका नाम हुआ था स्वामी वेदानंद। इसी जगह में हाथ रख के शरद चंद्र जी रूपनारायण नदी को देखते थे और लिखते थे। देवल्टी शरद चंद्र कुठी तथा घर 7 दिन खुला रहता है, मगर समर सीजन तथा गर्म काल में खुला रहता है सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और को खुला रहता है 4 बजे से 6 बजे तक। और विंटर सीजन तथा शीतकाल में शरद कुटी खुला रहता है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 5:30 बजे तक। इधर घूमने के लिए और विजिट करने के लिए तथा शरद कुटी का देखने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है। अभी ये शरद कुटी का देखभाल कर रहे है गोपाल मन्ना जी और उनका नाती टूबाई जी, जो 4 जेनरेशन से इधर इस बाड़ी का देखभाल कर रहे है। शरद चंद्र कुठी का अलावा देवल्टी में घूमने का और जगह है शरद कुठी का 2 किलोमीटर डिस्टेंस में अवस्थित 8 चाला 350 साल पुराना टेराकोटा का मदन गोपाल जीव मंदिर। और इधर एक बड़ा नर्सरी है और इधर आड़े ओल्डेस्ट काली मंदिर है, जिसको आप लोग इधर से टोटो रिजर्व करके जा सकते हैं। पर स्पॉट के लिए टोटो भाड़ा पड़ेगा 200 रुपीज, जो आप लोग इधर थोड़ा बार्गेनिंग भी कर सकते है। टोटो में आप लोग मिनिमम 1 से मैक्सिमम 5 जन बैठ सकते है वही भाड़ा में। कलकत्ता से आप लोग इधर बाई कार, बस तथा ट्रेन से आ सकते हैं। कलकत्ता से आप लोग विद्यासागर सेतु तथा सेकेंड हुगली ब्रिज से आप लोग कोना हाईवे पकड़ के आप लोग नेशनल हाईवे 6 पकड़ लीजिएगा। फाइनली आप लोग देवल्टी क्रॉसिंग से इधर आइएगा और बस से आप लोग कॉलेज स्ट्रीट तथा स्प्लानेट तथा हावड़ा से बस पकड़ के इधर आ सकते है। और सबसे पॉपुलर है बाई ट्रेन। और ट्रेन से आने के लिए हावड़ा स्टेशन से मेचेदा पासकुरा लोकल तथा मेदिनीपुर खड़गपुर लोकल पकड़ के आप लोग देवल्टी रेल स्टेशन में आप लोगों को उतरना होगा। टिकट भाड़ा पड़ेगा 15 रुपीज पर पर्सन और डिस्टेंस से 51 किलोमीटर। ये है ओपन टॉयलेट रूम। शरद चंद्र जी का लीवर कैंसर हुआ था, इसलिए घर के बगल में ये ओपन टॉयलेट तैयारी किया गया था, मगर घर का मेन टॉयलेट घर से दूर में अवस्थित है। और ये है शरद चंद्र जी का उस समय का ठाकुर घर, जो आप लोग देख सकते हैं। ये उस समय का धान रखने का जायगा है, जो बर्मा स्टाइल में स्क्वायर शेप में बना है, जो बांस मिट्टी टीना से बना हुआ है। दोपहर में आप लोग इधर स्टेशन का बगल में अवस्थित रेस्टोरेंट होटल में खाना खा सकते हैं तथा निराला रिसोर्ट में जाके आप लोग लंच भी कर सकते हैं। ये है शरद चंद्र कुटी का पीछे छोटा एक गेट। जब ब्रिटिश सेना इधर आते थे तब ज्यादातर स्वाधीनता संग्रामी इसी पीछे का गेट से भाग जाते थे। उस समय बरामदा का इसी जायगा में भात का मार नाली में ढाला जाता था और ये नाली तब नदी से संयुक्त था।
ये जो खाली ऊंचा जगह आप लोग देख रहे हैं, इसी जगह में मिट्टी बांस टीना से बना हुआ दोतला रसोई घर था, मगर 1978 बाढ़ में जो ध्वंस हो गया। मगर एक बात बोलना चाहता हूँ, 1978 का भयानक बाढ़ में इसी गांव का ज्यादातर कच्चा बाड़ी ध्वंस हो गया था, मगर शरद चंद्र जी का ये कुठी तथा हाउस का कुछ पार्ट छोड़ के ये सिर्फ ऊंचा होके खड़ा था, ध्वंस नहीं हुआ था, जो बाद में गवर्नमेंट के द्वारा रिपेयर किया गया था। ये है मयूर का खांचा। इस खांचा में शरद चंद्र जी मयूर रखते थे। इसी पोखर में शरद चंद्र जी का लिखा हुआ रामेर स्मृति गल्प में जो दो कैरेक्टर कार्तिक गणेश था, उनका नाम पर दो मछली इधर रखे थे और मछली का नाक में सोने का नथ था। हर रोज इधर कार्तिक गणेश का नाम से ये दो मछली को बुलाते थे और खाना देते थे। ये है समाधि स्थल। इधर शरद चंद्र जी, उनका स्त्री हिरणमय देवी और उनका भाई स्वामी वेदानंद जी का समाधि है। देहो दाह करने के बाद अस्थि भस्म को इधर रखा गया है। शरद चंद्र जी इसी घर में जीवन का शेष 12 साल बिताया था। तब 1938 में 16 जनवरी सुबह 10:10 में उनका 61 साल उम्र में स्वर्गवास हुआ था। शरद चंद्र जी का छद्मनाम था अनिला देवी, जो उनका एल्डर सिस्टर का नाम था। शरद कुटी से 5 किलोमीटर डिस्टेंस में अवस्थित गोविंदपुर गांव में हर साल जनवरी महीना में शरद मेला अनुष्ठित होता है। इधर आप लोग रात में रुक सकते हैं। स्टेशन का बगल में ज्यादातर होटल अवस्थित है। इसके अलावा निराला रिसोर्ट, अमाया रिसोर्ट अवस्थित है और प्रांतिक रिट्रीट हॉल अवस्थित है। इसके अलावा शरद कुठी का नजदीक समता गांव का लोकल पीपल का घर में आप लोग एक दिन रह सकते हैं। उसका सुविधा बंदोबस्त इधर है। इधर रात में कम खर्चा में रहने के लिए शरद कुठी को देखभाल करते मिस्टर टूबाई पति से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और एक दिन इधर का आनंद ले सकते हैं। रूपनारायण नदी का आप लोग इधर एक दिन ट्रिप तथा टूर के लिए पूरा फैमिली के साथ इधर आ सकते हैं। शरद चंद्र बाबू का कुठी देखकर आप लोग फिर आप लोगों को इधर आना होगा। इधर है रूपनारायण नदी, जो शरद बाबू का घर का बगल से ही पहले जाते थे, मगर अभी ये रूपनारायण नदी थोड़ा दूर में चला गया। तो आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये है रूपनारायण नदी। इस शरद कुठी को देख के आप लोग राइट साइड रास्ता पकड़ के जस्ट 3 मिनट पैदल डिस्टेंस में अवस्थित रूपनारायण नदी को देखने ना भूलिएगा, जिसका खूबसूरती शाम को ज्यादा होता है, जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। और इधर रूपनारायण नदी के बगल में ज्यादातर टूरिस्ट लोग फैमिली के लेके इधर आते हैं, वन डे टूर तथा वन डे पिकनिक भी करते हैं। आप लोग भी फैमिली के साथ देवल्टी के आके इधर शरद कुठी तथा रूपनारायण नदी को देख सकते हैं और इधर पिकनिक भी कर सकते हैं। देवल्टी में घूमने का बेस्ट समय है विंटर सीजन, मगर आप लोग समर सीजन में आप जा सकते हैं। और मानसून का समय आप लोग देवल्टी में ना जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी रूपनारायण नदी में वर्षा के समय बाढ़ आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को दबा के मुझको सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही तक, फिर से मुलाकात होगा दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए बाय।